नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा। आज हम बात करेंगे आंजनेयासन की। यह आसन हनुमान जी को समर्पित है। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, इसलिए उन्हें भी आंजनेय पुत्र कहा जाता है। यह आसन सेटिका के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी है तथा इससे मानसिक शांति भी मिलती है और यह मानसिक संतुलन भी बनाता है। आइए करते हैं आंजनेयासन। इसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब आप अपने घुटनों पर सीधे खड़े हो जाएं। अब धीरे से अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें और सामने ले आएं। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में सामने लेकर आएं और धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ श्वास भरते हुए खींचें और साथ ही साथ अपने पैरों को भी पीछे की तरफ खींचें। आप अपने दाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे और हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर ले जाएंगे। धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़ें और हाथों को थोड़ा पीछे ले जाएं। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने हाथों को नीचे लेके आए और बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। इस आसन का अभ्यास हम दूसरे तरफ से भी करेंगे। इस बार आप अपने दाएं पैर को आगे ले आए, ये हमने घुटने से मोड़ा है और इसे हम आगे ले आए, बाएं पैर पीछे ही रहेगा। फिर से अपने हाथों की नमस्ते मुद्रा बनाएं, धीरे धीरे हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं। हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और पीछे से अपने बाएं पैर को उठा दें। धीरे धीरे वापस आए, और वापस वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन का अभ्यास आप दोनों तरफ से दो दो बार कर सकते हैं। यह आसन आपकी थाइस तथा आपके घुटने और पैरों को मजबूती देता है। यह आसन हम पहले ही बता चुके हैं, सेटिका के लिए तो बहुत ही लाभकारी है, साथ ही साथ हमारी पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती देता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।